11 का थर्ड पार्ट बच्चों ये है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी क्वेश्चन है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम यहां ए वन बी वन सी वन निकालेंगे। देखिए बच्चों अगर हम बात करें ए वन की तो वन अपॉन ए है, बी वन की बात करें बच्चों तो यहां माइनस वन अपॉन बी है, जबकि सी वन कितना बच्चों जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से ए टू बी टू सी टू यहां से निकालेंगे तो ए टू मिल जाएगा बच्चों ए, बी टू मिल जाएगा बी, जबकि सी टू मिलेगा बच्चों माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा बच्चों को, हमें इसे इस तरफ लेना है, ठीक है ना, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बी वन और बी टू आइटम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन बी बी, फिर सी वन सी टू हो जाएगा जीरो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए वन ए टू तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए ए, और बी वन बी टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन बी और बी एक्स वाई और वन। इस प्रकार से लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद एक्स की वैल्यू पता करेंगे बच्चों, उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे इसे एक्स अपॉन इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई फिर माइनस, है ना, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और फिर बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा, उसे हमने छोड़ दिया, चलिए दिखा देते हैं एक बार, जीरो हो गया। वाई अपॉन अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इनका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा वाई अपॉन जीरो माइनस माइनस, लेकिन यहां इनका प्रोडक्ट भी निगेटिव आएगा इस वजह से पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। वन अपॉन बच्चे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो वन अपॉन ए इंटू बी ए अपॉन बी प्लस इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए अपॉन बी, लेकिन यहां माइनस आना भी है तो ये इसी वजह से प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी। बच्चों इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और वन अपॉन बच्चों एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसे, या बच्चों बी अपॉन ए आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करने हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे और इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और अपॉन है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। समझ में आ रहा बच्चों को, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसे आप इसकी मल्टीप्लाई दिखा दें मन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा, वन अपॉन ए बच्चा बच्चों न्यूमरेटर में ए हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इसी और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए से ए, वन अपॉन बी बचा ये हो गया बी। दस एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी।